नेत्रा क्या है ये बजा रहे थे अभी, ये वाद्य यंत्र क्या नाम बोलते हैं इसका? रावणता है ये। इतनी सुरीली आवाज किसे निकाल पाते हो आप? आपने प्रैक्टिस की है या ये खानदानी पे आया? हाँ खानदानी। कब से बजा रहे हो? 8 साल। अच्छा, इस मेले में आते हो आप कितने दिन हो गए? कल ही। कल से आए हो। और अभी आपने जो ये गाना गाया, ये किस देवताओं से संबंधित है और इसका क्या कुछ है आपने गाया उसके बारे में कुछ बता सकते? बाबू जी लोक देवता, वैसे तो ऊंटों के देवता है। तो अभी मेरे को ये बताइए कि बाबू जी लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता है। अभी यहाँ पर मेला लगा है पशुओं का और आप ये बजा रहे हो, क्या नाम बोला इसका? रावणहत्ता। रावणहत्ता ये कितना पुराना वाद्य यंत्र है आपके पास? 700 साल पुराना। अभी हमें लग रहा है कि ऐसे वाद्य यंत्र विलुप्त की गगार पर है और ये कोई गिने चुने ही देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में ये किस चीज का बना है और ये तार किसके हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले आता घोड़ा रहा। अच्छा, हम पलाटे हैं। पहले ये ताने लगी थी, ये घोड़े की पूंछ की आती थी, है ना? अच्छा, और ये थोड़ा सा और बना है नारियल जैसा, ये क्या है? नारियली। ये नारियली है। नारियल। और ऊपर किसकी ये चमड़ी लगी है? बकरा खाल है। बकरे की खाल बनी है। अच्छा। बाबू जी घोड़ी है। अच्छा, इसमें कितने आवाजें निकाल सकते हो आप? कितनी आवाजें आती है इसमें? 700 से ज्यादा आती है। और ये छोटी छोटी खूंटियां लगी है, इसका क्या काम है? मोरनिया। क्या बोलते हैं इसको? मोरनी। मोरनी है ना। और इसकी ये क्या है? पाइप है। इस पाइप से ये रगड़ते हैं इस पर तो इसकी आवाज आती है ना? एक नाम धनी। क्या बोलते हैं इसको? धनी। धनी। और ये है रावणहत्ता। अच्छा, इस पर ये आवाज आती है। आप जैसे भी सॉन्ग यानी गाना शुरू करते हो उसकी धुन पे ही आप गाना गाते हो, इसकी धुन पर, है ना? बन गए कामली पकड़ अपना,
गंगा सिंगे मारया मदत मैं देवी रियाय वरदारे मात भवानी अंग्रेजारे मात अंग्रेजा में उबरक मायो अंग्रेजा में मां उबरक मायो सू तोड़ो मैया से हे भवानी ओ भारी सिंह दाग आयो गरज परे सिंह दाग मारे भूप गया घबराए भवानी भूप गया घबराए पीठ पाते करण बोला गंगा सिंह हाथल दियो रो के भवानी मारी मेरे करी ओ थानी बिनती करुणा में मारे जगदम्बा मारी रे सियाणू जात बिरामण मां अरे दलू राम जस गायो करणी सिंह माते अर कृपा होगी करणी सिंह माते ओ कृपा होगी धन देवी ओ बारंबारी भवानी मारी अरे वाह।